हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी। आज माहौल थोड़ा अलग है। साइकोलॉजी की पाठशाला हम ट्रेन में चला रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और साइकोलॉजी की पाठशाला में एक नए टॉपिक को ऐड करते हैं और वो नया टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, या आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनकी इच्छा खाना खाने की मर जाती है। ये ईटिंग डिसऑर्डर का एक लक्षण हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खाना या बिल्कुल नहीं खाना या खाने की इच्छा बिल्कुल कम होना, भूख कम लगना, अगर ये किसी शारीरिक कारण से है तो ये ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। ईटिंग डिसऑर्डर का जो मुख्य कारण होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, इमोशनल होता है। और होता क्या है कि मन में कोई ग्रंथि है, मन में कोई कारण है या कोई एक इमोशनल कारण है जिसके कारण व्यक्ति ने खाना खाना कम कर दिया है या उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है। आपको लगेगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा साइकोलॉजी मानती है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और इसलिए ईटिंग डिसऑर्डर को साइकोलॉजी की पाठशाला में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर एक साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैंने अभी कहा क्योंकि इसका कारण मन में है और रोग के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया नर्वोसा की, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें लैक ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख बहुत कम लगती है, खाना खाने की इच्छा मर जाती है और इतनी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है कि वो 2-3 दिन भी व्यक्ति भूखा रह सकता है। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। रिसर्च ये कहती है कि 100 में से 1 लड़की को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है और 1000 में 1 लड़के को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। और ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो कंडीशन है ये 3 एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। जब हमें कोई इमोशनल कोई ट्रॉमा मिलता है या कोई साइकोलॉजिकल कॉज ऐसा होता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो अनकॉन्शियस में चला जाता है और फिर ईटिंग डिसऑर्डर के रूप में हमारे सामने होता है। जब भी एनोरेक्सिया नर्वोसा के कोई पेशेंट मिलेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि उनके आसपास, उनके तख्त के नीचे या जहाँ पर वो सोते हैं उसके नीचे, उनकी गाड़ी के नीचे या डस्टबिन में या उनकी किताबों के बीच में कहीं ना कहीं खाने की चीज़ें मिलेंगी। और वो इसलिए क्योंकि जब वो खाना खाते हैं उनको खाना अच्छा नहीं लगता तो दूसरों से बचने के लिए वो खाने की चीज़ों को छुपा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जब एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट में देखने को मिलता है। और वो इसलिए कि वो खाने की इच्छा बिल्कुल मर गई है, बहुत कम खाना खाने की इच्छा होती है और यदि वो ज़्यादा खाना खा लें तो उनको डर रहता है कि मैं मोटा ना हो जाऊँ, ओवरवेट होने का डर रहता है, ओबेसिटी का डर रहता है और इसके कारण वो लोग खाना नहीं खाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट का वेट बहुत कम होता है। आप ये माने कि जितना वेट उसका होना चाहिए उससे लगभग 15% वेट उनका कम होता है। और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं ये लोग, बिल्कुल हड्डी दिखाई देती है, मांस कुछ भी नहीं दिखाई देता। और रीज़न एक ही है कि वो खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको भूख कम लगती है या उनका खाने में इंटरेस्ट चला जाता है। अगर वो खाना खाते हैं तो बहुत चूजी खाना खाते हैं, बहुत सेलेक्टेड खाना खाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फूड खाते हैं। उनको 1 या 2 या 3 चीज़ पसंद है, केवल जब उन्हें वो खाने को मिलेगी तब वो खाना खाएंगे, अदरवाइज वो खाना नहीं खाएंगे। और रीज़न एक है और वो रीज़न है कि कहीं ओबेसिटी डेवलप ना हो जाए, कहीं वो व्यक्ति मोटा ना हो जाए, इस डर से वो खाना खाना बंद कर देता है। लेकिन अनकॉन्शियस में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो निकल नहीं पाते हैं या उनका सॉल्यूशन हो नहीं पाता है, तब ईटिंग डिसऑर्डर का पैटर्न डेवलप हो सकता है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो सकता है। लेकिन इसका इलाज क्या हो, इसका इलाज कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यह कहता है कि कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें लेनी चाहिए और न्यूट्रिशनल चीज़ें लेने के लिए वो मेडिसिन भी देते हैं, वो डाइट प्लान भी बनाते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया इलाज जो डॉक्टर्स का या साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हिप्नोथेरेपी से एनोरेक्सिया नर्वोसा जल्दी ठीक हो सकता है। और वो इसलिए कि यदि
एनोरेक्सिया नर्वोसा किसी इमोशनल कॉज या साइकोलॉजिकल कॉज के कारण हुआ है, जो कि होता है, उस कॉज को सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर जाकर वहां से हटाया जाता है और उसकी जगह एक पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस किया जाता है, जिससे एनोरेक्सिया नर्वोसा की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, और बाद में फिर काउंसलिंग करके उसके जो बचे हुए सिम्टम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है।